ठीक है, तो रूल फॉर इलेक्ट्रॉन फिलिंग में अफबाउ प्रिंसिपल होगा। तो देखिए भाई, ये हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है, मतलब अफबाउ मतलब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने के लिए चार रूल है। पहला रूल हमारा है अफबाउ प्रिंसिपल, सेकेंड रूल होता है एन प्लस एल, थर्ड रूल होगा हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और फोर्थ रूल होगा हमारा फुंड्स रूल। तो जो पहला रूल और दूसरा रूल होगा वही थोड़ा सा समय लगेगा, बाकी तो 5-5 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, क्या आप लोग एटम का स्ट्रक्चर जानते हैं क्या? आपको एटम के स्ट्रक्चर में पता है क्या? बताइए एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। उसके सेंटर पे क्या होता है भाई? न्यूक्लियस होता है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है भाई? सेल के अंदर, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल में होता है। अब मुझे बताइए सब सेल कितने होते हैं? अगर मैं बोलूं सेल 5 है तो सबसेल भी 5 होगा, अगर सेल 10 है तो सबसेल भी 10 होगा, अगर मैं बोलूं भाई सेल हमारा इनफाइनाइट है तो सबसेल भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब कोई भी एटम में अगर पूछा जाए सेल कितना है तो आप बोलेंगे इनफाइनाइट हो सकता है, सबसेल भी कितना होगा? इनफाइनाइट होगा, और ऑर्बिटल भी कितना होगा भाई? इनफाइनाइट होगा। तो वही अगर हमारा सबसेल इनफाइनाइट है और ऑर्बिटल इनफाइनाइट है तो सबसेल में सबसेल की फिलिंग करना है, और सबसेल की फिलिंग करने के लिए कौन सा सबसेल पहले फिल होगा, कौन सा सबसेल बाद में फिल होगा, उसके बारे में हम लोग देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, देखिए सेल सबसेल की फिलिंग कैसे करेंगे, कौन सबसेल पहले फिल होगा, कौन सबसेल पहले फिल होगा और कौन ऑर्बिटल पहले फिल होगा भाई। मतलब सबसेल की फिलिंग और ऑर्बिटल की फिलिंग के बारे में जानना है। तो बेसिकली हमारे रूल कितने हैं? चार। तो याद रखिए भाई, पहला रूल और दूसरा रूल किसको बताएगा भाई? सबसेल की फिलिंग को सिखाएगा कि मतलब सबसेल कौन सबसेल पहले फिल होगा, पहले 1A सबसेल फिल होगा कि 2S होगा कि 3S होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? मतलब अफबाउ प्रिंसिपल और एन प्लस एल रूल हमारी क्या सिखाती है बताइए? सबसेल की फिलिंग। और रूल नंबर जो 3 होगा भाई, और 4 जो रूल होंगे, और ये दोनों रूल किसकी फिलिंग सिखाएंगे? ऑर्बिटल की। तो ये बेसिकली आपको याद होना है कि पढ़ना इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने के लिए तो 4 रूल पढ़ना है, जिसमें से 2 रूल जो होता है, 2 रूल अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहला रूल क्या है? अफबाउ प्रिंसिपल, और दूसरा होता है एन प्लस रूल। ये दोनों हमारा सबसेल की फिलिंग के बारे में बताते हैं। बाकी जो 2 रूल बचेगा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और होन्स रूल, ये किसकी फिलिंग के बारे में बताएगा? ऑर्बिटल की फिलिंग के बारे में बताएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई? तो देखिए, सबसे पहले अफबाउ का अकॉर्डिंग कौन सा सबसेल पहले फिल होगा भाई, कौन सा सबसेल पहले फिल होगा, ठीक है? तो थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आप लोगों को लिखना आता है क्या भाई? क्या वो मुझे सिखाना तो नहीं पड़ेगा ना? ये सबसे पहले 1s होता है, फिर 2s होता है, फिर 2p होता है, फिर 3s होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो सबसे पहले कौन सा सबसेल फिल होता है? 1s, फिर कौन होता है भाई? 2s, फिर कौन होता है? 3s, फिर क्या होता है भाई? 3p। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? जैसे अगर आपको याद हो, मतलब देखिए, सबसे पहले वो सबसेल फिल होता है जिसकी एनर्जी मिनिमम होती है, जिसकी एनर्जी मिनिमम होती है। समझ पा रहे हैं क्या भाई? जैसे देखिए, अगर आपको याद ना हो तो आपको याद होगा कि पहला सबसेल, फर्स्ट सेल में तो एक ही सबसेल होता है ना भाई, सेकेंड सेल में 2s 2p होता है, थर्ड सेल में क्या होता है बताइए? 3s 3p 3d। देखिए थर्ड सेल में 3 सबसेल होते हैं बताइए, फोर्थ सेल में 4s 4p 4d 4f, ठीक है? देखिए 5s 5p 5d 5f 5g, फिर हमारा हो जाएगा 6s 6p 6d 6f 6g 6f। मैं बताया भी था कि ये वो सबसेल है जो अभी खाली है। अगर एलिमेंट की और ज्यादा डिस्कवरी होती है तो इलेक्ट्रॉन हमारे इस सबसेल में फिल हो सकते हैं, लेकिन अभी ये क्या है भाई? खाली जगह है, ठीक है? तो देखिए, अगर आपको याद होगा तो कौन सा सबसेल पहले फिल होगा, उसके लिए आपको क्लास 11 में भी सिखाया गया होगा, और इतना तो आपको आता ही है। देखिए, सबसे पहले हमारा कौन सा सबसेल फिल होता था भाई? 1s। कौन फिल होता था? 1s। उसके बाद 2s, फिर क्या होगा भाई? 1s, फिर क्या होता था? 2s, फिर क्या होगा? 2p, 2s, उसके बाद क्या आएगा भाई? 2p, उसके बाद क्या आएगा? 3s, फिर क्या आएगा? 3p, ऐसा होता था ना भाई? 2p के बाद बताइए क्या होगा? 3s, उसके बाद क्या होगा?
3p, उसके बाद क्या होगा भाई 4s, उसके बाद क्या होगा 3d, उसके बाद क्या होगा 4p, उसके बाद क्या होगा 5s, उसके बाद क्या होगा भाई 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, फिर क्या होगा भाई 4f, 5d, 6p, फिर यहां में क्या हो जाएगा भाई 7s। क्या समझ पा रहे हैं ना भाई? क्या ऐसे ही हम हमको फील करना है। सबसे पहले क्या 1s फील होगा, फिर 2s फील होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि 1s की एनर्जी कम होती है इसलिए वो पहले फील हो जाता है, फिर 2s फील होगा, फिर 3s फील होगा। मुझे लग रहा है कि आपको याद हो गया होगा, है ना। और इसे अगर आपसे कोई पूछे ना भाई, कोई भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन का बोला जाए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, तो इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन लिखना है तो बताइए, अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन लिखना है तो उस ऑक्सीजन को किस में फिल करना भाई, उसकी सब कौन सा सबसेल पहले आएगा बताइए, वो 1s आएगा। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन डालना है 2, 2p में 2s में कितना 2, 2p में कितना डालना है 4। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन किया जाता है। और कोई भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन तीन तरीका से किया जाता है। क्या समझ पा रहे हैं? कोई भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन तीन तरीका से कर सकते हैं भाई, थ्री वे होता है इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन लिखने का। अच्छा थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए अगर आपको याद हो नोबल गैस भाई, एक होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन होता है ना भाई। इसके एटॉमिक नंबर क्या होती है भाई 2, 10, 18, 36, 54, 86। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये हमारे नोबल गैस होते हैं। तो नोबल गैस का हेल्प लेके भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं। जैसे कि बताइए 1s 1s2 किसका जैसा हो जाएगा भाई, इसका इलेक्ट्रॉन कितना है 2, और 2 इलेक्ट्रॉन कौन सा नोबल गैस का होता है, हीलियम। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हीलियम 2s2 2p4। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहां तक किसी को तो डाउट नहीं होगा ना भाई इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन कैसे करना है। देखिए ये पूरा बेसिक बातें होती है इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन, और वो आपको आता भी है। जैसे एक और एग्जांपल देखेंगे, जैसे अगर हम लोग बात करें भाई आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है 26, तो बताइए इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन कैसा होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद क्या आएगा बताइए 4s2, फिर क्या आ जाएगा भाई 3d6। तो ये तो पहला तरीका हो गया, ये फर्स्ट वे हो गया इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन लिखने का। अच्छा दूसरा तरीका क्या होता है कि नोबल गैस इस्तेमाल कर लीजिए, है ना। तो देखिए जब नोबल गैस पढ़ेंगे तो बताइए यहां से काउंट करेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा भाई 18 किसका, किसमें इलेक्ट्रॉन होता है आर्गन, तो उसके बाद क्या हो जाएगा भाई 4s2 3d6। तो ये तो सेकेंड तरीका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का। जब आपको पढ़ाया जाएगा ना भाई, जब आपको पढ़ाया जाएगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तो हर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना सिखाया जाएगा। लिखते तो ऐसे ही है, क्या आप समझ पा रहे हैं? तुम्हें कुछ नहीं बोल रहे तो डर लगता है मुझे, क्या ये समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलिए थर्ड तरीका क्या है भाई, जैसे आपने ये देखो सेल वाइज लिख लीजिए, ये फर्स्ट सेल है, 1 लिखा है तो फर्स्ट सेल होगा, और फर्स्ट सेल में कितने सब सेल, एक ही 1s होता है। ये देखो सेकेंड है ना, सेकेंड सेल है, और सेकेंड सेल में कितने सब सेल होते हैं भाई 2, इसलिए 2s 2p आता है। तो आपको जो लिखना है ना इसमें सिर्फ क्या करना है भाई, इसको इंटरचेंज कर देना है, इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है, सेल वाइज लिखना है फर्स्ट सेल सेकेंड सेल थर्ड सेल। तो देखिए क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और यहां में क्या आ जाएगा भाई 3d6 4s2। मतलब आपने पहले फर्स्ट सेल लिखा, फिर सेकेंड सेल लिखा, फिर थर्ड सेल लिखा, फिर फोर्थ सेल को अलग कर लिया। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई? ये हमारा फर्स्ट सेल है और ये हमारा सेकेंड सेल है, ये हमारा थर्ड सेल है, क्योंकि थर्ड सेल में तो तीन ही सब सेल होगा, कौन कौन सा होगा s p d, 3s 3p 3d। अब मुझे बताइए क्या आप लोग फर्स्ट सेल को क्या नाम देते थे k, क्या नाम देते थे भाई k, सेकेंड सेल को क्या नाम देते थे l, थर्ड सेल को क्या नाम देते थे m, फोर्थ सेल को क्या नाम दिया जाएगा n, तो k l m n। अच्छा बताइए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है भाई 2, तो यहां में लिखा हो सकता है 2k। यहां में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई सेकेंड सेल में 8, अरे भाई 2 और 6 8 हो जाएगा। थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 14, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 2। तो ये एक तरीका है भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन ज्यादातर आपका यही आएगा, ये सब दिखाई दे रही है ना ऐसे लिखा हुआ आएगा। लेकिन अगर सपोज मान लो ऐसा लिखा है तो क्या आप पढ़ सकते हैं ना कि किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है भाई? आपको तो काउंट करना है 2 और 8 10 हो जाएगा, और 10 और 14 24, और ये क्या हो जाएगा 26। मतलब ये आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? आयरन की।
अगर ऐसा लिखा है तो पढ़ना आना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं भाई, एक और देख लीजिए, फॉस्फोरस, बताइए फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 50। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो बताइए क्या लिखा जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6 हो गया ना भाई। उसके बाद क्या लिखा जाएगा भाई? 3s2, 3p3 हो जाएगा ना, ऐसा लिख देंगे। तो ये तो फर्स्ट वे हो गया लिखना। दूसरा क्या हो जाएगा बताइए? यहां से बताइए, यहां तक बताइए कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 10। 10 किसका होता है? नियोन का। तो आप नोबल गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा रिस्पॉन्स बीच बीच में करते रहिए। नियोन हो जाएगा और ये हो गया 10। फिर क्या हो जाएगा बताइए? 3s2, 3p3। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? देखो ये तो फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है और ये थर्ड सेल लिखा ही है। तो क्या इसको कैसे लिखा जा सकता है? KLM, फर्स्ट सेल 1s हो जाएगा, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल। तो बताइए के में कितना इलेक्ट्रॉन है? फर्स्ट सेल में 2 और सेकेंड सेल में 8, थर्ड सेल में कितना है? 5। तो ऐसे लिखा जा सकता है। अगर देखो भाई, लिखने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बोला जाएगा कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है तो आप पढ़ सकते हैं और बता सकते हैं ये तो एलिमेंट फास्फोरस है। क्या आप समझ पा रहे हैं? चलिए, यहां तक किसी को डाउट नहीं है। इसमें भाई देखिए कुछ कॉपी करने लायक है भी नहीं। आपको जो लग रहा है कि कॉपी करना चाहिए तो आपके हिसाब से देख लीजिए, बाकी तो आगे बढ़ा जाए। समझ पा रहे हैं ना? बताइए अफबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है? कि वो सब सेल पहले फिल होगा जिसकी एनर्जी मिनिमम होगी। बताइए जिसकी एनर्जी मिनिमम होगी वो पहले आएगा, और जिसकी एनर्जी मैक्सिमम हो गई मतलब उससे ज्यादा हो गई उसके बाद आएगा, फिर उसके बाद आएगा। ऐसे हम लोग सब सेल की फिलिंग करना है। मतलब हमारा अफबाउ रोल किसकी फिलिंग के बारे में बताता है? सब सेल या ऑर्बिटल? सब सेल की फिलिंग। कौन सबसेल पहले आएगा? वो सबसेल पहले आएगा जिसकी एनर्जी मिनिमम है। क्या आप समझ पा रहे हैं? चलिए तो आगे बढ़ा जाए। देखिए क्या क्वेश्चन बोला गया है, 2K, 8L, 8M, 2L ऐसा लिखा है। और क्या निकालनी है बताइए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या निकालनी है भाई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। कब? जब L इज इक्वल टू 1 हो और M इज इक्वल टू क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई, सोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो आप थोड़ा सा देखिए, ये क्वेश्चन लिखा है पहले ऐसे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखी है। आप पढ़ के बताइए ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? बताइए 2K 8, 2A 10, 18, 20। क्या ये कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या? क्या इसमें 20 इलेक्ट्रॉन है? 20 इलेक्ट्रॉन मतलब 20 जिसका एटॉमिक नंबर हो कैल्शियम होगा। तो आप क्या करिए भाई, जब भी ऐसा लिखा है तो आप कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आपको ऐसा आता है क्या? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। क्या आप ऐसे लिख दिए? क्या आप ऐसे लिख सकते हैं ना भाई उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? थोड़ा सा रुक जाइए, क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? अब आपको क्या करना है, देखिए L इज इक्वल टू 1 लिखा है। अच्छा बताइए L इज इक्वल टू 1 कौन सा सबसेल के लिए होता है? S के लिए या P के लिए? P के लिए। किसके लिए होता है भाई? P के लिए। तो देखो P कौन कौन सा है हमें, या तो हमारा 2P होगा या तो हमारा 3P होगा। समझ पा रहे हैं क्या भाई? देखिए P के लिए ही तो L का वैल्यू 1 होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? या 3P होगा या नहीं, P के लिए तो 3 डाबा होता है। अच्छा बताइए इस 3 डाबा में, बताइए P के लिए L का वैल्यू 1 है तो ये 3 डाबा में तो एक -1 + 1 = 0 होता है, या में -1 + 1 = 0 होगा भाई। तो आपको क्या बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए इसमें तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा ना भाई, 6 इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हैं ना भाई? ऐसे मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ में, तो आप मुझे बताइए L इक्वल टू 1 है तो P सबसेल हो गया, ये मतलब 2P और 3P को देखना है, उसमें M 0 होना चाहिए। तो M 0 तो एक ही ना ऑर्बिटल होगा भाई, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 2। और यहां में भी एक ही ऑर्बिटल होगा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा भाई? 4। आंसर क्या हो गया बताइए इसका? क्या आप समझे हैं क्या ये? क्योंकि देखो यहां में मेंशन किया है
कि l इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू 0, मतलब m m l क्या बताता है, सबसे, तो l इक्वल टू 1 है तो p हो जाएगा और m इज इक्वल टू 0 हो गया तो एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल की बात कर रहा है और एक ऑर्बिटल में तो दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो बच्चों हम लोग ने अफबाउ रूल के बारे में पढ़ लिया है, तो अब हमारा जो दूसरा रूल होगा वो होगा n प्लस l रूल। जो सेकेंड रूल होगा वो क्या होगा, n प्लस l रूल। अच्छा याद रखिएगा n प्लस l रूल भी किसका फिलिंग के बारे में बताएगा भाई, सबसेल की फिलिंग के बारे में बताएगा। और n प्लस l रूल किसके लिए लगता है भाई, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसी के, जिसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके लिए हम लोग n प्लस l रूल लगाते हैं। अच्छा देखिए अब बाहू क्या बोल रहे थे कि वो सबसेल पहले फिल होगा जिसकी एनर्जी मिनिमम है, और n प्लस l रूल क्या बोलता है भाई, वो सबसेल पहले फिल होगा जिसका n प्लस l की वैल्यू मिनिमम होगी। मतलब अकॉर्डिंग टू ये रूल क्या बोलता है भाई, n प्लस l रूल बोलता है कि वो सबसेल पहले फिल होगा जिसका n प्लस l की वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम। जिसकी n प्लस l की वैल्यू मिनिमम होगी वो सबसेल पहले फिल हो जाएगा, और जिसका n प्लस l की वैल्यू ज्यादा होगी वो बाद में फिल होगा, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग बात करें भाई, थोड़ा सा आप लोग यहाँ में ध्यान देंगे, यहाँ में लिखा लिखा गया है सबसेल, यहाँ में लिखा गया है n, और यहाँ में l, और यहाँ में n प्लस l। जैसे अगर हम लोग बात करें 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, मान लीजिए यहाँ में लिखा गया है 3d, 4s, तो यहाँ में बताइए n के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 1, यहाँ में क्या हो गया 2, यहाँ में हो गया 2, 3, 3, 3, 4, यहाँ में तो ये n की वैल्यू है। और s के लिए l की वैल्यू कितनी होगी, 0, 0, 1, और s के लिए 0, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। और दोनों को ऐड करेंगे बताइए 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, और 3 प्लस 1, 4, 5 और 4, क्या आप समझ पा रहे हैं। तो देखिए n प्लस l रूल क्या बोलता है कि वो सबसेल पहले फिल होगा जिसका n प्लस l की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। तो बताइए n प्लस l मिनिमम किसका है, 1s का, तो सबसे पहला नंबर में कौन फिल होगा, 1s, फिर सेकेंड में कौन फिल होगा भाई, 2s, फिर कौन फिल होगा भाई, अब देखिए 2p में देखेंगे, 2p और 3s में देखेंगे, तो बताइए 2p और 3s में n प्लस l क्या हो गया, सेम। तो सेकेंड रूल क्या होता है भाई, जब n प्लस l की वैल्यू सेम हो जाए तो फिर आपको क्या देखना है, n की वैल्यू। तो उस समय उसके बाद अगर हमारा n प्लस l क्या हो जाए, n प्लस l सेम हो जाए, तो जिसका n मिनिमम होगा, जिसका n मिनिमम होगा वो सबसे पहले फिल होगा। तो यहां में देखिए n प्लस l कितना है, 3, यहां में भी 3 है, लेकिन यहां में n कितना है, 2, और यहां में 3, तो कौन फिल होगा पहले भाई, 2p होगा फिल पहले, उसके बाद 3s 4 नंबर में होगा, यहां में भी देखिए उसके बाद क्या होगा भाई, फिफ्थ नंबर में कौन फिल होने वाला है, 3p। अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, अगर मैं बात करूं 3p और 4s की, अगर आप देखेंगे 3p और 4s में देखिए दोनों में तो n प्लस l कितना ही है, 4 है, 3p और 4s में n प्लस l 4 है, लेकिन यहां में 3p में n का वैल्यू 3 है और 4s में n का वैल्यू 4 है, तो जिसका n मिनिमम वो पहले फिल हो जाएगा। उसके बाद बताइए इसके बाद कौन फिल होगा भाई, 4s, 3p के बाद कौन सा कौन फिल होगा, 4s, उसके बाद कौन होगा भाई, 3d होगा। मतलब फिलिंग ऐसे करना है, जिसका n प्लस l मिनिमम होगा उसकी एनर्जी मिनिमम होगी, जिसका n प्लस l सेम हो जाएगा तो जिसका n मिनिमम उसकी एनर्जी मिनिमम। जैसे अगर हम लोग बात करें भाई, देखिए सबसे पहले कौन फिल होगा, 1s, उससे उसके बाद 2s, फिर कौन होगा भाई, 2p, फिर क्या होगा, 3s, 3p, 4s, 3d, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन फिल होगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन फिल किसके लिए होगा भाई, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के लिए। अगर हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए n प्लस l की वैल्यू वैलिड नहीं होती, तो क्या देखते हैं, n देखते हैं, क्या देखते हैं, n। जैसे अगर हम लोग बात करें सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए भाई, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के लिए, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए n प्लस l रूल नॉट वैलिड। कौन वैलिड होता है भाई, n रूल सिर्फ वैलिड होता है,
जिसका एन मिनिमम एनर्जी मिनिमम, जिसका एन मिनिमम उसकी एनर्जी मिनिमम, जिसका एन की वैल्यू मैक्सिमम उसकी एनर्जी मैक्सिमम। जैसे अगर हम लोग बात करें 1s में, बताइए क्या 1s का एनर्जी सबसे कम होगा? फिर देखो एन यहाँ में 2s और 2p के लिए एन की वैल्यू तो उससे 2 है ना भाई, तो 2s और 2p की एनर्जी बराबर होगी। फिर एन की बात करें भाई, बताइए 3s का, 3p का, 3d का एनर्जी बराबर होगा, फिर होगा 4s का। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन की बात करा जाए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए कौन सा रूल वैलिड होता है? एन रूल। लेकिन उसके लिए क्या वैलिड नहीं होता है? एन प्लस एल रूल। क्या आप समझ पा रहे होंगे भाई? ठीक है, मुझे लग रहा है आप समझ समझ लिए होंगे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन दिया जाए। देखिए 5f 5d 5p 4s, मान लीजिए ऐसा कोई नंबर है, और उसमें आपको क्या करना है भाई? देखिए उसमें आपको क्या करना है, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए बताना है, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए बताना है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए भी बताना है एनर्जी का ऑर्डर। तो बताइए यहाँ में n प्लस एल कितना हो जाएगा भाई? n की वैल्यू 5 है और l का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 8। यहाँ में 5 है और 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7। और यहाँ में 5 है प्लस 1 है तो कितना हो जाएगा? 6। और 4s के लिए क्या हो जाएगा भाई? 4 + 0 तो 4 हो जाएगा। तो बताइए मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए बताइए सबसे एनर्जी मिनिमम किसका है? 4s का। उसके बाद किसका हो जाएगा बताइए? उससे ज्यादा किसका हो जाएगा बताइए? 5p का। उससे ज्यादा किसका है भाई? 5d का। और सबसे ज्यादा किसका है? 5p 5f का। ये तो मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए है भाई। लेकिन अगर हम बात करें सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, तो जिसका एन मिनिमम उसका एनर्जी मिनिमम, तो बताइए सबसे एनर्जी मिनिमम किसका होगा? 4s का। उसके बाद क्या होगा भाई? 5p का एनर्जी, 5d का एनर्जी और 5f का एनर्जी बराबर होगा। ये किसके लिए है भाई? सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है भाई? एन को देख के हम लोग उसकी एनर्जी डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो पहला रूल भी हो गया और दूसरा रूल भी हो गया भाई। और दोनों रूल किसको बताता है? सबसेल की फिलिंग के बारे में बताता है। अब हम लोग का थर्ड रूल होगा पॉली रूल। ठीक है, पॉली पॉली रूल क्या बताता है? कि पॉली रूल ये बताता है कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन चाहे कितने भी हों, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या होता है भाई? डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे एक हम एग्जांपल से समझेंगे भाई। बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई? 5। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p1। इसके लिए कितना डब्बा है? 1 डब्बा होगा भाई। इसके लिए भी 1 डब्बा होगा, और इसके लिए कितने डब्बे होंगे? 3, क्योंकि पी सबसेल 3 प्रकार का होता है। तो यहाँ में भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा और पी में 1 होगा। और ये इलेक्ट्रॉन के लिए, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन फील्ड हुए हैं किसमें? ऑर्बिटल में। उसके लिए हमको चारों क्वांटम नंबर लिखना है। तो बताइए अगर मैं बात करूं इनके लिए एन की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, 1 होगा, 1 होगा, क्योंकि यहाँ में क्या है भाई? 2 होगा, एन का वैल्यू 2 है, और इसके लिए भी 2 होगा। एल का वैल्यू बताइए, एस के लिए 0, और यहाँ में पी के लिए क्या हो जाएगा? 1। एम का वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा भाई? एम का वैल्यू 0। अगर एल 0 है तो एम भी 0 हो जाएगा। अगर एल का वैल्यू 1 है तो एम की वैल्यू -1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आपको याद होगा तो एन तो किसको बताता था भाई? सेल। एन और एल मिलके किसको बताते थे? सब सेल को। एन एल एम किसको बताता था भाई? ऑर्बिटल को। एन एल एम किसको मिलके बताता है भाई? ऑर्बिटल को बताता है। तो देखिए यहां में क्या हो गया कि आप ऑर्बिटल, एन एल एम ऑर्बिटल तो पहुंच गए भाई, एक ही तो डब्बा है, ऑर्बिटल तो आ गए हैं, ऑर्बिटल तक हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। तो अगर इसकी हम बात करें स्पिन की वैल्यू, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो स्पिन आपने हाफ लिया, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे है तो -1/2 लिया, इसके लिए +1/2 लिए, -1/2, और इसके लिए या तो +1/2 हो सकता है या तो -1/2 हो सकता है। मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज को +1/2 मानेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या ही मानना पड़ेगा? -1/2। ठीक है, अब देखिए भाई यहां तक हमने आए, लेकिन आपने देखा यहां तक, देखो डब्बा सेम था
इस डब्बे में दो इलेक्ट्रॉन थे लेकिन दोनों का स्पिन अलग अलग है। यही ना पॉली बोला भाई, पॉली ने यही बोला कि इलेक्ट्रॉन तो भाई कितने भी हो सकते हैं एटम के अंदर में, लेकिन इलेक्ट्रॉन का एड्रेस तो डिफरेंट ही होगा। ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है भाई, 100 हाफ, और इस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है, 100 माइनस हाफ। भाई ऑर्बिटल तक तो एन एल एम तो सेम हो सकता है लेकिन उसकी स्पिन अलग अलग हो सकती है भाई। तो कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन का एड्रेस भाई एन एल एम एस, ये चारों ही तो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने के लिए तीन तो सेम हो सकता है क्योंकि हम लोग एक डब्बा एक ऑर्बिटल में पहुंच चुके हैं, लेकिन उस ऑर्बिटल में भाई इलेक्ट्रॉन होगा उसका एस की वैल्यू एक के लिए प्लस हाफ होगा और दूसरे के लिए माइनस हाफ होगा। तो एस ही डिफरेंट है, अगर एस ही डिफरेंट है तो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस भी क्या हो जाएगा भाई, डिफरेंट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे, देखो इसके लिए प्लस स्पिन हाफ है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन हाफ है, लेकिन दोनों का एन अलग अलग है। समझ पा रहे होंगे, मतलब एक एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन तो चाहे कितने भी हो लेकिन उसका एड्रेस कैसा होता है भाई, डिफरेंट होता है। समझ पा रहे होंगे, ठीक है भाई, यहां तक किसी को तो डाउट नहीं है। अच्छा आप थोड़ा सा, आपको ध्यान देना ये है, आपको ध्यान ये देना है कि मान लो एक ऑर्बिटल के अंदर में, देखिए आपको मतलब कंक्लूजन क्या है भाई, मान लो एक ऑर्बिटल है और इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, दो इलेक्ट्रॉन, क्या इसको ऐसे फिल नहीं किया जा सकता है? तो ये तो सही है, ये गलत है। क्यों भाई? क्योंकि क्या बोला गया, पॉली ने यही ना बोला कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस सेम नहीं हो सकता। तो देखिए अगर हम लोग डब्बा तक पहुंच गए, मान लो यहां तक पहुंच गए, ये ऑर्बिटल तक पहुंच गए, तो उसके लिए एन भी सेम होगा, एल भी सेम होगा, एम भी सेम होगा। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन का है भाई, दोनों को अपने ऊपर कर लिया, तो क्या यहां में दोनों का एस भी सेम हो जाएगा? अगर दोनों का एस भी सेम हो जाएगा तो बताइए क्या पॉली रूल तो वैलिड नहीं रहेगा भाई? क्या पॉली रूल वैलिड नहीं रहेगा? क्या पॉली रूल के लिए बताइए क्या ये फीलिंग सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि एक डब्बा में दो इलेक्ट्रॉन तो होगा भाई, तो दोनों का एड्रेस कैसा होना चाहिए भाई, डिफरेंट होना चाहिए। तो एक बार क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा बार क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है आप समझ रहे होंगे, एक क्वेश्चन लिखिए भाई, क्वेश्चन लिखिए, फॉर द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, फॉर द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, फॉर फॉलोइंग क्वांटम नंबर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर पॉसिबल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर पॉसिबल इन एन एटम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर पॉसिबल इन एन एटम। जैसे मान लीजिए यहां में एन इज इक्वल टू 3, एल इज इक्वल टू 2, एम इज इक्वल टू 0 और स्पिन की वैल्यू प्लस हाफ लिखी गई है, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है भाई, आपको ये बताना है कि इसमें ये जो क्वांटम नंबर लिखे गए हैं इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, हर एक क्वेश्चन में बताना है आपको इलेक्ट्रॉन कितना होगा। अब देखिए भाई, मैं आपको सबसे पहले जब क्वांटम नंबर सिखा रहा था तो मैं बोला था ना एक लेटर में कुछ नंबर लिखा जाएगा, उस लेटर को पढ़ना आ गया तो आपको क्वांटम नंबर भी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ में लिखा है एन इक्वल टू 3, तो आप कहाँ चले जाएंगे भाई, कहाँ चले जाएंगे, थर्ड सेल में, और थर्ड सेल में कौन सा थर्ड सेल में, तो कितना सबसेल होगा, 3। थर्ड सेल में कितना सबसे लोग, 3s, 3p, 3d। अगर l इक्वल टू 2 लिखा है तो आप कहाँ चले जाएंगे भाई, 3d में चले जाएंगे, और 3d में जाना है तो क्या d में तो पांच डब्बे होंगे ना भाई, पांच डब्बे होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं 3d में, देखिए थर्ड सेल में गए तो 3d मिलेगा, और इस 3d में कितने सबसेल होंगे भाई, पांच, और उस पांच डब्बा में जाना है जिसका m 0 होगा, क्या बताइए 3dz² हो जाएगा क्या भाई? अरे भाई dz² का ही m की वैल्यू 0 होती है, तो क्या एक पार्टिकुलर ऑर्बिटल में आप पहुंच गए, और उस पार्टिकुलर ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन तो दो होगा भाई, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन बताइए जब उसकी स्पिन कितनी होगी भाई, हाफ होगी, तो बताइए इसका तो आंसर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा।
क्या इसका आंसर कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो क्वांटम लिखा गया, ये क्वांटम नंबर जो लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई? 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम इसकी बात करें, बताइए आप कहाँ में जाएंगे? सेकेंड सेल में जाएंगे। सेकेंड सेल के अंदर में कितने सब सेल होंगे? 2, 2s और 2p। समझ पा रहे हैं ना? तो l=1 लिखा है, तो आप कहाँ में चले जाएंगे? 2p में। और 2p में जाएंगे तो 3 घर होगा भाई, और 3 घर में कौन सा घर में जाना है? m=0, मतलब आप 2pz में चले जाएंगे। और 2pz में चले जाएंगे तो वहां में ऑर्बिटल है एक, और उस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा भाई? तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा हम लोग बात करें, बताइए एन और एल तो सबसेल को ना बताएगा भाई, एन और एल किसको बताएगा? सबसेल। तो n2 है, l1 है, तो क्या ये 2p सबसेल होगा? और p सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा भाई? 6 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6 इलेक्ट्रॉन। और n=2 लिखा है, तो ये तो एक सेल हो गया ना भाई। और एक सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला इज 2n2। तो n का वैल्यू 2 डालेंगे तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगर कोई भी क्वांटम नंबर दे दिया है और उसका क्या पूछा जाए कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। और अच्छा अगर ऑर्बिटल पूछा जाए, बताइए इसके लिए ऑर्बिटल पूछा जाए तो ऑर्बिटल तो एक ही होगा, इसके लिए ऑर्बिटल पूछा जाए एक होगा, और इसके लिए ऑर्बिटल कितना हो जाएगा? 3। समझ पा रहे होंगे? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। और फोर्थ जो रूल है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे इसमें चार इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने के लिए 4 तो रूल है, और फर्स्ट और सेकेंड रूल सबसेल की फिलिंग के बारे में बताते हैं, और थर्ड और फोर्थ रूल ऑर्बिटल की फिलिंग के बारे में बताया जाता है। तो ऑर्बिटल की फिलिंग के बारे में आपने पॉली से पॉली पॉली ने बता ही दिया भाई। और जो नेक्स्ट जो है, मतलब मान लो एक ऑर्बिटल है, क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होंगे? नहीं भाई, गलत हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस सेम हो जाएगा, और ये पॉली रूल को वैलिड पॉली रूल इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, तो ये जो फीलिंग है वो तो गलत हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट होन्स रूल की बात करेंगे। मतलब बात करा जाए भाई, पॉली ने डब्बे के अंदर फिलिंग के बारे में, डब्बे के अंदर फिलिंग कैसी होगी, और होन्स रूल क्या होगा बताइए, डब्बों के अंदर फिलिंग कैसी होगी। जैसे कि अगर बात किया जाए, देखिए सबसे अकॉर्डिंग टू होन्स रूल क्या है भाई, सबसे पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन डालना है, अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तो उसकी पेयरिंग कराइए। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब एक एक फिल करेंगे तो पैरेलल स्पिन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई? पैरेलली फिल करना है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p4। तो बताइए इसके लिए तो एक डब्बा होगा, और इसके लिए 2 डब्बा, इसके लिए कितने डब्बे होंगे? 3। इसके लिए तो एक होता है, मान लीजिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। डब्बे के अंदर कैसे फिल होगा? पॉली ने बताए, और बहुत ज्यादा डब्बे हो गया भाई, बहुत ज्यादा डब्बे हो गए, तो डब्बे मतलब बहुत सारे ऑर्बिटल हो गए, तो इसके अंदर में कैसे फिल किया जाएगा? वो कौन बताए भाई? होन्स रूल। बताइए आपने p4p में 4 इलेक्ट्रॉन डालना है, आपने एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, बाद में इसकी पेयरिंग करा दिया भाई, तो क्या ये तो सही है? अच्छा बताइए अगर मैं बोलूं p4 की बात करूं, क्या ऐसा पेयरिंग करना सही है या गलत है? गलत है। होन्स ने क्या बोला भाई? सबसे पहले जो डब्बे है ना भाई, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करिए, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करिए, और एक एक इलेक्ट्रॉन जब फिल करेंगे तो उसको पैरेलली होना चाहिए। अरे भाई पैरेलली का मतलब ये होगा कि आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐसा डाल दिया, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा, फिर पेयरिंग करा, ये भी गलत है। मतलब आपने देखो पहले ये पैरेलल फिर एंटी पैरेलल कर दिया, मतलब ये बिल्कुल भी गलत है। अगर मान लीजिए ऐसा है तो क्या ये सही है? क्या सबसे पहले आपने एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसा डाला, देखो ये पैरेलल ही है, बाद में उसकी फिलिंग स्टार्ट कर दिया, तो ये तो सही है। मतलब देखो डब्बे के अंदर, ये एक डब्बा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, इसके अंदर जो फिलिंग था वो पॉली ने बताए, लेकिन बहुत ज्यादा डब्बे हो गए भाई, तो उसके अंदर फिलिंग कैसे करना है वो तो किसने बताया भाई? होन्स रूल ने बताया। किसने बताया? होन्स रूल ने बताया। क्या आप समझ पा रहे होंगे? तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फॉर विच कन्फिग्रेशन, क्वेश्चन ये है, मैं रिपीट कर देता हूं, फॉर विच कन्फिग्रेशन ऑल द 4 रूल आर डिसओबेड। फॉर विच कन्फिग्रेशन ऑल द 4 रूल आर डिसओबेड। और रूल आर डिसओबेड,
ये क्वेश्चन कॉपी करते रहिए आप लोग भी। ठीक है, तो देखिए कौन सा चारों रूल को डिसओबेड कर रहा है, मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, उसके बारे में जानना है। तो देखिए जो पहला लिखा गया है, देखिए यहाँ में सबसे पहले क्या रूल है भाई, सबसे पहला क्या रूल है भाई, देखिए यहाँ में एन लिखा गया है, यहाँ में इसकी एनर्जी क्या है भाई, इसकी एनर्जी तो मिनिमम है, इसकी एनर्जी मिनिमम है और इसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि पहले वो सबसे फिल होता है जिसकी एनर्जी मिनिमम है। तो ये इसकी एनर्जी मिनिमम होगी और इसकी एनर्जी क्या हो गई भाई, मैक्सिमम। तो पहले क्या हुआ, मैक्सिमम वाला सबसे ज्यादा फील्ड हुआ है, बाद वाला पहले वाला कम फील्ड हुआ है। तो पहला बताइए ये जो होगा वो किसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कौन सा रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, अफबाहु, अफबाहु और कौन सा रूल भाई, एन प्लस एल, ये दोनों रूल को ओबेड नॉट ओबेड, कौन सा रूल यहां में वैलिड नहीं हो रही है बताइए, अफबाहु, क्योंकि पहले वो फील होगा जिसकी एनर्जी मिनिमम है, एनर्जी इसकी मिनिमम है तो इसको पहले फील होना चाहिए, लेकिन बाद वाला पहले फील हो गया, समझ पा रहे हैं क्या आप लोग। अच्छा सेकेंड जो लिखा गया है बताइए, देखिए यहां में इसकी एनर्जी समझ पा रहे हैं ना, ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन बताइए डब्बों के अंदर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग, पॉली ने बताए भाई देखो एक डब्बा है और दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम सेम हो गया, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन का एड्रेस सेम हो गया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये कौन सा रूल को वो भी नहीं कर रहा है भाई, पॉली, समझ पा रहे हैं ना, पॉली रूल को ये वैलिड, पॉली रूल को ओबे नहीं कर पा रहा है। अगर मैं बात करूं इसका इसका, तो देखो ये कौन सा रूल, अफबाहु रूल, एन प्लस एल रूल को तो यहां तक सेटिस्फाई करा भाई, और यहां में देखिए होन्स रूल क्या बोलता है कि हमारे पास बहुत सारे डब्बे हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन डालना है, एक एक इलेक्ट्रॉन डालना है, बाद में पेयरिंग स्टार्ट करनी है, तो यहां में देखो एक ऑर्बिटल में दो दो डाल दिया गया, मतलब ये कौन सा रूल को वैलिड नहीं हो रहा है, कौन सा रूल वैलिड नहीं हो रहा है भाई, होन्स रूल। और यहां में अगर हम लोग बात करें देखो ना तो अफबाहु रूल वैलिड हो रही है, ना तो एन प्लस एल रूल वैलिड हो रही है, ना तो हमारा पॉली रूल वैलिड हो रही है, ना ही होन्स रूल। तो करेक्ट आंसर क्या है भाई, डी। क्या आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड टोटल स्पिन, फाइंड टोटल स्पिन रिजल्टिंग फ्रॉम, फाइंड टोटल स्पिन रिजल्टिंग फ्रॉम D8 कन्फिग्रेशन, कौन सा कन्फिग्रेशन बोला है भाई, D8 कन्फिग्रेशन बोला है, D8 कन्फिग्रेशन बोला है, कन्फिग्रेशन कैसा, D8। तो देखिए D8 की बात किया जाए तो यहां में देखिए पहले एक इलेक्ट्रॉन, दो तीन चार पांच छ सात आठ, आपने आठ इलेक्ट्रॉन डाल दिया भाई, तो ये क्या है भाई, ये तीन ऑर्बिटल तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो कैसे हैं, पेयर्ड है, और ये वाला दो क्या है बताइए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा अगर पेयर्ड है तो इसका स्पिन तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन प्लस हाफ होगा और दूसरा का माइनस हाफ होगा, तो एड करेंगे तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका स्पिन क्या होगा, अगर मैंने मान लो ऊपर वाला को मैंने प्लस हाफ मान लिया है तो इसकी स्पिन तो वन हो जाएगी, अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू माइनस हाफ है तो इस समय इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस हाफ, तो टोटल स्पिन जो होगी वो कितनी हो जाएगी भाई, प्लस वन, प्लस माइनस वन हो जाएगी। क्या आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है एक क्वेश्चन और लिखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर, फाइंड वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड, फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन क्रोमियम, लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन क्रोमियम, अगर क्रोमियम में क्रोमियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको चारों क्वांटम नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, तो देखिए सबसे पहले क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5, आपको याद होगा क्रोमियम में एक्सेप्शन होता है, 4s1, 3d5 होता है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन बताइए हमारा किस में जा रहा है, 4s में जा रहा है या 3d में जा रहा है, अरे भाई 4s की एनर्जी तो मिनिमम है भाई, तो पहले फिल हो जाएगा और लास्ट में कौन फिल हो रहा है, 3d, और 3d में ध्यान दीजिएगा
3D में कौन सा इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में, इसके बारे में बताना है। बताइए इसके लिए, बताइए हमारा n का वैल्यू तो 3 हो जाएगा, और d के लिए l की वैल्यू 2 हो जाएगी, और m का वैल्यू क्या होगा भाई, क्या इसके लिए 0 होगा क्या? नहीं भाई, मैं आपको बोला था ना d के तो पांचों ऑर्बिटल होते हैं, उसकी एनर्जी बराबर होती है, किसी को कहीं भी लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? तो m की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? -2 से +2 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, और स्पिन क्या भी हो सकता है, +1/2 हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है। अगर इसके लिए मान लो कहीं ऑप्शन में लिखा है n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू -1 और स्पिन हाफ, क्या सही है क्या? हाँ बिल्कुल सही है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई, लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसके लिए चारों क्वांटम नंबर आपने यहां तक लिख लिया। क्या यहां तक किसी को डाउट नहीं है ना भाई? अच्छा देखिए, अगर आप थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे, यहां में देखिए हमने क्या पढ़ा था, एन प्लस एल रूल पढ़ा था। अगर आपसे कोई पूछेगा कि n प्लस एल रूल क्या बोलता है भाई, n प्लस एल रूल और अफबाउ रूल किसके बारे में बताता है भाई, ये दोनों सबसेल की फिलिंग के बारे में बताता है। मैं अगर पूछूं आप लोग से, बताइए अफबाउ क्या बोलता है, कि वो सबसेल पहले फिल होगा जिसकी n प्लस, मैंने गलत बोला, वो सबसेल पहले फिल होगा जिसकी एनर्जी मिनिमम है। और n प्लस एल क्या बोलता है भाई, n प्लस एल तो ये बोलता है ना भाई, वो सबसेल पहले फिल होगा जिसकी एन प्लस एल की मिनिमम वैल्यू होगी। अब वह बोलता है कि एनर्जी जिसकी मिनिमम होगी वो सबसे पहले फिल होगा, और ये एन प्लस एल रूल बोलता है कि जिसका एन प्लस एल मिनिमम होगा वो सबसे पहले फिल होगा। तो ये दोनों से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं भाई, जिसका एन प्लस एल मिनिमम उसका एनर्जी मिनिमम, जिसका एन प्लस एल मैक्सिमम उसकी एनर्जी मैक्सिमम, बोल सकते हैं ना ऐसा। जैसे अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछेगा, बताइए थोड़ा सा आप यहां में ध्यान दीजिएगा, जैसे आपसे कोई बोलेगा 4p और 5d में एनर्जी बताइए, तो इसके लिए n प्लस एल क्या हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा n प्लस एल, और इसके लिए क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो जिसका n प्लस एल ज्यादा होगा उसकी क्या हो जाएगी भाई, एनर्जी ज्यादा। समझ पा रहे हैं क्या? और जिसका n प्लस एल सेम हो जाए तो जिसका n ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। क्या आप समझ पा रहे होंगे? ठीक है, तो n प्लस एल मिनिमम तो एनर्जी मिनिमम, n प्लस एल सेम हो गया तो n मिनिमम तो एनर्जी मिनिमम। तो डायरेक्टली हम लोग यहां से कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या देखा भाई, आप लोग देख रहे हैं कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन भी होता है। अच्छा क्यों होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें। तो लिखेंगे स्टेबिलिटी फॉर हाफ या फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी फॉर हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये दो वजह से होता है। पहला जो होता है एक्सचेंज एनर्जी का वजह से होता है, और दूसरा सिमेट्री का वजह से होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, D5 अगर आपसे कोई पूछेगा कि D5 और D4 में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप तो डायरेक्टली बोल देते हैं कि D4 इज मोर स्टेबल देन D5, और सॉरी मैंने गलत बोला, D5 इज मोर स्टेबल देन D4। समझ पा रहे हैं ना भाई, D9 और D10 में कौन ज्यादा स्टेबल है, D10 इज मोर स्टेबल देन D10, D10 इज मोर स्टेबल देन D9। क्या आप समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग यहाँ में रीजन देते हैं कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, और यहाँ में देखते हैं फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। भाई इसको अच्छा से समझना पड़ेगा, ऐसा क्यों होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां में लिखा है D5, तो यहां में मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां में फील्ड हुए हैं भाई। इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल में फील्ड होते हैं, मान लो ये इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल में है, तो जब यहां में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में फील्ड हुए हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भाई, अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन दूसरा ऑर्बिट में जाता है, दूसरा वाला पहला में जाता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में जाता है, थर्ड वाला ऑर्बिट फर्स्ट में जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं खड़ा हूँ भाई, और मैं चलने लगूँ भाई, मूव करने लगूँ, तो बताइए क्या मेरी एनर्जी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में तो प्रेजेंट है भाई, जब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज करता है, अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करता है, तो एनर्जी रिलीज होती है,
और जो एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी का नाम क्या होता है, एक्सचेंज एनर्जी। और जो एनर्जी रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक है भाई, मतलब एनर्जी का निकलना तो एक्सोथर्मिक वाली है ना भाई, तो यहां में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कौन सी है, एक्सोथर्मिक। क्या आप समझ पा रहे हैं, मैंने क्या बोला कि ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करता है तो एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। जब ये एनर्जी रिलीज करता है तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। और इसका अंदर में जितना अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करेगा उतना एनर्जी रिलीज करेगा, तो क्या ये सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी, और जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है भाई, मैक्सिमम होती है। उसकी एनर्जी जितना ये इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा पोजीशन, उतना एनर्जी रिलीज होगा, उतना कम एनर्जी हो जाएगा, और कम एनर्जी होने का मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, मैक्सिमम। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जितना ज्यादा एक्सचेंजेज होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। मैं क्या बोल सकता हूं भाई कि जितना ज्यादा एक्सचेंजेज होगा पोजीशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। क्या आप इस बात से सहमत होंगे भाई? तो अगर मैं बोलूं, मान लो ये इलेक्ट्रॉन अभी यहां में है, तो इसका क्या क्या पोजीशन, मतलब ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है। मान लो इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट वाला है वो किसके कितने के साथ एक्सचेंज कर सकता है, चार के साथ। अच्छा मान लो जो सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन है, देखिए वो फर्स्ट से तो एक्सचेंज नहीं ना होगा भाई, समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि वो ऑलरेडी ये काउंट हो चुका है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, तो ये थ्री होगा, फिर टू होगा, फिर वन होगा, तो इस टोटल कितने एक्सचेंजेज आए भाई, 10। तो जितना ज्यादा एक्सचेंजेज होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, उतनी एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी उतनी मैक्सिमम हो जाएगी। जैसे अगर हम लोग बात करें D5 में कितने एक्सचेंजेज हैं भाई, 10। D4 में देखा जाए तो D4 में कितना है भाई, चार इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन देखिए, ये इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज कर सकता है, 1 2 3, फिर 2 फिर 1, तो कितना एक्सचेंज कर सकता है भाई, 6। तो बताइए जितना ज्यादा एक्सचेंजेज होंगे उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, और जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगी। तो आप मुझे बताइए D5 D4 से ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी, ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी का वजह से D5 D4 से ज्यादा स्टेबल होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई? अगर हम लोग बात करें D10 का, किसकी बात करें, D10 का, ठीक है। और देखिए जब भी बात करेंगे ना D10 का ना, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है ना भाई, वो क्लॉकवाइज के साथ एक्सचेंज करेगा, और एंटी क्लॉकवाइज वाला एंटी क्लॉकवाइज के साथ एक्सचेंज करेगा। अब अगर मान लीजिए ये क्लॉकवाइज है, और मान लो ये वाला क्लॉकवाइज है और इसका एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप इन दोनों को एक्सचेंज करा देंगे तो कुछ कंडीशन ऐसी होने लगेगी भाई। अगर ऐसा होने लगेगा तो बताइए कौन सा रूल वैलिड नहीं, कौन सा रूल वैलिड होगा या नहीं होगा? अरे भाई पॉली रूल वैलिड ही नहीं हो रही है भाई, पॉली के अकॉर्डिंग बताओ क्या दोनों इलेक्ट्रॉन का एड्रेस तो सेम हो जाएगा ना भाई, तो ये ऐसा नहीं हो पाएगा। मतलब कहने का ये है कि क्लॉकवाइज वाला क्लॉकवाइज के साथ एक्सचेंज करेगा, और एंटी क्लॉकवाइज के साथ एक्सचेंज करेगा। अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के साथ एक्सचेंज करने लगेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन का, एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम होने लगेगा, तो एड्रेस सेम हो जाएगा, तो पॉली रूल तो वैलिड ही नहीं हो रही है। तो इसलिए याद रखने वाली बात क्या है कि क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज के साथ एक्सचेंज करेगा। अच्छा बताइए यहाँ में क्लॉकवाइज कितने हैं, 5, और एंटी क्लॉकवाइज कितने हैं, 5। अच्छा बताओ 5 का वजह से कितना एक्सचेंज आ रहा है, 10। तो मान लो 5 क्लॉकवाइज का वजह से 10 एक्सचेंज, और एंटी क्लॉकवाइज भी 5 है, तो कितने एक्सचेंज आ जाएंगे, टोटल एक्सचेंजेस 20 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं भाई D9 का, तो D9 में देखिए बताइए 5 क्लॉकवाइज का वजह से एक्सचेंज कितना है, 5 का वजह से 10, और 4 का वजह से एक्सचेंज कितना आ गया बताइए, 6 आ गया, तो टोटल एक्सचेंजेस कितने होंगे भाई, 16। तो बताइए D9 और D10 में कौन ज्यादा स्टेबल है, D10 इज मोर स्टेबल देन D9 ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी। क्या आप समझ पा रहे होंगे? अच्छा एक और हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, D6 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भाई, D6।
देखिए D6 की बात करेंगे तो यहाँ में पांच तो क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो पांच का वजह से एक्सचेंज कितना आता है भाई 10। और देखो एक क्या है एंटी क्लॉकवाइज, मैंने बोला क्या एंटी क्लॉकवाइज से एक्सचेंज करेगा, लेकिन यहाँ में एंटी क्लॉकवाइज तो है ही नहीं, तो इसका वजह से एक्सचेंज कितना का आएगा भाई 10 का आएगा। अगर एक्सचेंज 10 का आएगा तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, D5 और D6 में एक्सचेंज तो सेम आने लगे, जब एक्सचेंज सेम आने लगेगा तो फिर आपको क्या देखना है भाई, सिमेट्री देखना है। क्या देखना है? सिमेट्री। जिसकी सिमेट्री ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो D5 और D6 में कौन ज्यादा स्टेबल है? D5 और D6 में कौन स्टेबल है? D5 तो है, लेकिन उसका रीजन कौन सा होगा भाई? सिमेट्री। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो देखिए आपका जो मेजर जो पार्ट है ना भाई, वो मैक्सिमम इंपोर्टेंट तो यही है, एक्सचेंज एनर्जी। तो थोड़ा सा मैं यहां में कंक्लूजन लिख रहा हूं, बताइए अगर बोलूं D5 और D4 में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी का तो ऑर्डर यही है। इसका रीजन क्या है? ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी। अच्छा अगर मैं बोलूं D10 और D9 में स्टेबिलिटी का ऑर्डर, क्या रीजन भी सेम है? अगर मैं बोलूं भाई D10 और D5 में कौन ज्यादा, तो ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी। देखिए आप यहां में देख लीजिए भाई, D10 में एक्सचेंज 20 है और D5 में एक्सचेंज 10 है, तो जितना ज्यादा एक्सचेंजेज उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? D10। अगर आपसे कहीं लिखा है D5 D6 से ज्यादा स्टेबल है, तो वहां भी किसका वजह से भाई? ड्यू टू सिमेट्री। किसका वजह से वो ज्यादा स्टेबल है? सिमेट्री का वजह से। समझ पा रहे हैं क्या? ये बहुत ध्यान से देखिएगा, D5 इज मोर स्टेबल देन D6, तो उसका आंसर एक्सचेंज एनर्जी नहीं होगा, क्योंकि दोनों का एक्सचेंजेस सेम है, तो सिमेट्री का वजह से वो ज्यादा स्टेबल है। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? तो अब हम लोग आगे बात करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, किसकी बात करेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन एन प्लस टू वोर मैग्नेटन। किसका? मैग्नेटिक मोमेंट का। SI यूनिट होता है भाई। और आप ध्यान दीजिएगा n क्या होता है भाई, यहां में n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें आयरन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 26। तो यहां में हम लोग लिख सकते हैं भाई 4s2 3d6। तो अगर हम बात करें 3d6 का और मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करना है, तो 3d6 में बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगी भाई? 4 इंटू 4 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा भाई? 4 इंटू 6, रूट ऑफ 24 मैग्नेटिक मोमेंट। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना भाई, तो बताइए इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ 24। लेकिन आप लोग जानते हैं क्या, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता है तो वैल्यू 5 होती है, और 16 होता है तो 4 होता है। तो क्या बताइए जो 24 है, क्या वो 25 से थोड़ा सा कम है? तो क्या इसकी वैल्यू 5 से थोड़ा कम होगी भाई? तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 4.9 बोर मैग्नेटर, अप्रोक्सीमेट लिखा जा सकता है ना भाई? समझ पा रहे होंगे? ठीक है, अगर हम लोग बात करें Fe+3 में भाई, Fe+3 में बताइए क्या आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है? अच्छा बताइए इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा या 3d से निकलेगा? इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से निकलता है। कहां से निकलता है भाई? आउटर मोस्ट सेल। और आउटर मोस्ट सेल क्या है? 4s। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो s से आपको क्या करना पड़ेगा? 2, और d से 1 निकालना पड़ेगा। तो बताइए 4s0 3d5 हो जाएगा, और 3d जैसे ही 5 होगा तो यहां में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 5। तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगी भाई? 5 5 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा भाई? 5 इंटू 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √35 वोर मैग्नेट। तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 5.9 वोर मैग्नेट। मतलब यहां से समझने वाली बात यह है कि देखिए
डेसिमल के बाद जो 5 है ना वो अनपेड इलेक्ट्रॉन ही है, मतलब किसी का अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट 5 पॉइंट समथिंग आएगी, किसी का अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट 4 आएगी, किसी का मैग्नेटिक मोमेंट 4 है तो उसका किसी का मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 है भाई, तो उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 आएंगे। अगर मैं बात करूं किसी का अनपेड इलेक्ट्रॉन भाई 6.93 है तो बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो भाई देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने रूल फॉर इलेक्ट्रॉन फिलिंग पढ़े जिसमें 4 रूल पढ़ाई गई थी, अफबाउ रूल और एन प्लस एल रूल दोनों सबसेल की फिलिंग के बारे में बताता है, और पॉली पॉली एक्सक्लूजन रूल, पॉली रूल और हुंड्स रूल दोनों ऑर्बिटल की फिलिंग के बारे में बताता है। तो चलिए आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, फिर हम लोग आज हमारा बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या हो गया भाई, कंप्लीट हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम यहीं पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक शुरुआत करेंगे।